हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका डिफेंसिव रिसर्च स्पेशलिस्ट सब्सिडियरी फॉर बैक स्टॉक। सो गाइस, आज है 4th अप्रैल 2024 और इस वीडियो में एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा से टारगेट्स आने वाले कल फ्राइडे सेशन ऑनवर्ड कैसे हो सकते हैं। देखो, निफ्टी ने आज अपना न्यू लाइफ हाई बनाया, बट जहाँ पर इसने आज न्यू लाइफ हाई बनाया वहाँ से गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिली। करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन आपको याद होगा जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा जो आपके लिए बनाया गया था अप्रैल मंथ के लिए, उसमें आपको 22,600 का फर्स्ट टारगेट हमारी तरफ से दिया गया था निफ्टी का, एंड फाइनली निफ्टी ने आज उस टारगेट को हिट कर लिया। सेंसेक्स की बात करें तो 74,200 के ऊपर आज क्लोज किया है, एंड इसके बाद निफ्टी बैंक 48,000 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिली है जो कि साइकोलॉजिकल एक बैरियर था। फाइनली आज इसके ऊपर हम लोग को इसने क्लोजिंग दे दी है। फिर निफ्टी की बात करें तो 21,373 की क्लोजिंग है और बैंकेक्स में क्लोजिंग हम लोगों को 54,000 के आसपास दिखी है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमारा मार्केट पॉजिटिव क्लोज किया है, बट जो हमारा डे हाई था वहाँ से थोड़ा सा नीचे हम लोग आज क्लोज हुए हैं। इसके बाद यूरोपियन मार्केट में आते हैं तो लंदन मार्केट, यहाँ पर 38 पॉइंट्स की तेज़ी रही। पेरिस मार्केट में हल्की सी फ्लैट के आसपास मार्केट गई है और फ्रैंकफर्ट डैक्स जर्मनी, यहाँ पर 35 पॉइंट की तेज़ी के साथ फिलहाल बाजार गया है। अभी यूरोप के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल इसको हम लोग पॉजिटिव साइड में रख के अपने आगे का व्यू बनाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं एशिया के बाज़ार में, तो आप यहाँ पर देखो जापान में आज अच्छी खासी तेज़ी रही है। हांगकांग का मार्केट ऑफ है और चाइनीज़ मार्केट भी ऑफ है, तो एशिया के बाज़ार को फिलहाल अभी हम लोग पॉजिटिव साइड में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अमेरिकन मार्केट में। देखो, डाउ जोन्स के अंदर 188 पॉइंट्स की तेज़ी है जो कि हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन है। नैसडैक में भी करीब 163 पॉइंट्स की तेज़ी है। S&P 500 इंडेक्स यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी के साथ बाज़ार फिलहाल चल रहा है, तो अमेरिकन मार्केट से भी फिलहाल हम लोगों को पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग देखें तो इन नटसल ग्लोबल मार्केट का डेटा फिलहाल हमारा पॉजिटिव साइड में है। इसके बाद अगर हम नज़र डालें यहाँ से FIS और DIS की पोजीशन कैश मार्केट में कैसी है। कैश मार्केट में आज दोनों तरफ से हम लोगों को बिकवाली देखने मिली है। DIS ने भी 1136 करोड़ का माल बेचा है, इसका मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास सभी ने आज प्रॉफिट बुक किया है। कैश मार्केट में DIS ने भी 893 करोड़ का माल बेचा है। इंडेक्स में आप पोजीशन देखोगे तो काफ़ी हैवी पोजीशन बनी हुई है, 90,000 करोड़ की है। एंड सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ पर आज बिकवाली की है, निफ्टी के अंदर आज इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 92,000 करोड़ का आज इन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सेल किया है। तो निफ्टी का आज सेलिंग साइड में है, निफ्टी बैंक का बाइंग साइड में है, और निफ्टी बैंक का आज नेगेटिव साइड में है, फिर निफ्टी का भी नेगेटिव साइड में है, मिड कैप निफ्टी का पॉजिटिव साइड में। तो आज इन्होंने निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ 92,000 करोड़ की खरीदारी की है। इस डेटा को फिलहाल अभी हम लोग पॉजिटिव साइड में ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन आपको निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में नहीं देखने को मिल रही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी इसीलिए यहाँ पर पोजीशन आपको ज़्यादा दिख रही है। अब इसके बाद अगर आप देखो इंडिया वेक्स, तो इंडिया वेक्स जो है 12 के नीचे आ चुका है और 11 के भी नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसका मतलब 22,600 के लेवल पर भी बाज़ार में किसी को डर नहीं लग रहा है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर करेक्शन हो चुका है 20-30% का, और वहाँ पर अभी फिलहाल कुछ खास रिवर्सल नहीं है, इसीलिए सभी को डर नहीं लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर के पास मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर्स हैं। निफ्टी 50 के या निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जो है काफ़ी कम लोग हैं, इसीलिए इस लेवल पर भी इंडिया वेक्स के अंदर फिलहाल कुछ ज़्यादा उछाल नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नज़र डालते हैं निफ्टी का PCR रेशियो हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसका डेट जो है चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी हमारा 10th अप्रैल की है निफ्टी की, और यहाँ जो PCR रेशियो फिलहाल निकल कर के आ रहा है 1.02 का है। तो PCR के हिसाब से अभी बाज़ार दोनों साइड का इंडिकेट कर रहा है कि बोथ साइड का मोमेंटम लोगों को मिलेगा, सिंगल साइड का नहीं है। 22,600 हमारे लिए अभी भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। 1,500,000 से ज़्यादा आज कॉल यहाँ पर शॉर्ट हो रखी है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट हमारे लिए कल के सेशन में रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,400 का। तो 22,400 उम्मीद करते हैं बाजार उसको रिस्पेक्ट करेगा, इसको एक बार भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। एंड ऊपर में 22,600 का लेवल अगर टूटता है तो सीधा हमारे पास नेक्स्ट लेवल 22,700 के आसपास का आएगा, क्योंकि 22,600 तोड़ने का मतलब यह है कि बाजार 22,800 के लिए तैयार हो रहा है और नेक्स्ट वीक में हम लोगों को बाजार फिर 22,800 का लेवल दिखा देगा। अब देखना यह है कि कल निफ्टी हम लोगों को कहाँ पर क्लोजिंग देके जाता है। इसके बाद यहाँ हम लोग नज़र डालेंगे बैंक निफ्टी 10th अप्रैल, इसकी भी एक्सपायरी है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सेम है, 1.04 के आसपास का PCR रेशियो है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉल रेटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर खड़े हुए हैं, 48,500 के लेवल पर है। 48,500 का हमारे सामने कल के दिन रजिस्टर्स रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो बाजार वापस जो है इसके नीचे ही हम लोग को क्लोजिंग देना चाहिए। 48,000 आज 1,500,000 के आसपास पर ट्रेडिंग हुई है, अगर कल मार्केट में गैप अप होता है तो 48,000 के लेवल को मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो 47,800 के आसपास हम लोग स्ट्रांगली यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्सल में जाएंगे और बाइंग एरिया के पास आने पर हम लोग एक बार रिस्क लेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, यानी 47,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द अपसाइड 48,500 अगर मार्केट इस बार ब्रेक करके कल क्लोजिंग दे देता है
देन उसके बाद हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में 50K की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर जाने से पहले आप देखो यूएस डॉलर इंडेक्स यहाँ पर गिरावट है और हमारा रुपया भी थोड़ा सा मजबूत हो रहा है डॉलर्स के मुकाबले, जो कि हमारे लिए अच्छे इंडिकेशन है कल के सेशन में। इसके बाद हमारी चार कंपनीज यूएस मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं आप देखो। एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो अपडेट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसने एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में 6.5% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। और अगर कल यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में गैप अप होता है तो हमारा बाजार हो सकता है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस 48,500 के आसपास ही ओपन कर जाए। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर हल्की सी तेज़ी है, विप्रो आईटी स्टॉक तेज़ी में है, इन्फोसिस में भी हल्की सी तेज़ी फिलहाल यहाँ पर दिख रही है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो सभी स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनी का हाल अगर आप देखें, टेस्ला में अच्छी खासी तेज़ी है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है या अमेजन है, सभी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। गूगल के शेयर के अंदर थोड़ी सी गिरावट है। इसके बाद आप देखो यूएस के 10 साल के बॉन्ड सील्ड में हल्की गिरावट है, ये भी बाजार के लिए अच्छे इंडिकेशन है। और यूएस मार्केट में फिलहाल पॉजिटिव ट्रेडिंग चल रहा है। क्रूड ऑयल यहाँ पर आज हल्की सी गिरावट है, जो भी बाजार के लिए कल के लिए थोड़ी ठीक ठाक इंडिकेशन है। गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है, 22,720 पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर शानदार उछाल आया हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि कल हम लोगों को एक बार फिर से बाजार अच्छा गैप अप लेना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं कि निफ्टी कैसा सेशन दिखाएगा। देखो आज निफ्टी ने डाउन साइड का जो रिजेक्शन किया है, यानी 22,300 के आसपास जो हम लोग आए थे वहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट किया, एंड अभी हम लोग जो है 22,500 पर क्लोज किए हैं। तो 22,400 हमारे लिए कल भी सपोर्ट रहेगा। अगर इस सपोर्ट के आसपास आते हैं तो हम लोग वापस से स्टॉप लॉस रखेंगे 22,325 के लेवल का, और अपसाइड के लिए वापस प्ले करेंगे। तो इस आज के सेशन की तरह मार्केट आपको अगेन फिर से मिनिमम 100 पॉइंट आपको दे देगा। ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस कल बाजार फेस करेगा, जहां से हम लोग एक बार के लिए सेल के बारे में प्लान करेंगे, जो कि रहेगा 22,650 का। 22,650 आएगा तो एक बार ट्राई करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 22,700 के लेवल का, वहां से एक बार हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी मार्केट अब यहां से एकदम ऊपर की लेवल पर जा चुकी है, अब हमारे सामने फिलहाल वहां पर कोई टेक्निकल चार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग लाइफ टाइम हाई पर जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी। देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में जो रेजिस्टेंस पहले भी यहाँ पर बनाया गया था वो 48,500 के लेवल का था, और आज भी मार्केट ने 48,000 के लेवल को एज अ सपोर्ट यहाँ पर बना करके गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल अगर मार्केट 48,500 के ऊपर ही ओपन कर जाता है, देन उस केस में हमारे पास जो सपोर्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो सपोर्ट रहेगा रिवर्सल में प्ले करने के लिए 48,200 आने पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 48,000 के लेवल का। अगेन हम लोग कंटिन्यू अपसाइड के लिए जाते हैं, तो मार्केट आपको जो एक्सपेक्टेड लेवल कल के दिन हो सकता है वो 48,650 से लेके 800 के रेंज का रहेगा। ये रेंज हो सकता है कि कल बाजार एक बार टेस्ट करे, और इस रेंज में अगर क्लोजिंग मिल जाती है देन डेफिनेटली हम लोग 50K की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीक में, और हम लोग फिर उस केस में कॉल को कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक नज़र हम लोग फिर से वापस डाल लेते हैं कि कल जो सेंसेक्स है वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। देखो सेंसेक्स में अगर आप देखें तो सेंसेक्स का भी डेटा जो है कुछ कुछ निफ्टी की तरह इंडिकेट कर रहे हैं। आज बड़ी कैंडल बनी है, सपोर्ट लाइन जो यहाँ पर फॉर्म हो चुकी थी 73,600 एंड 73,400, ये सपोर्ट मार्केट ने बना लिया है। कल के लिए जो सेंसेक्स में सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 74,000 के लेवल का। अगर हम ओपन करते हैं थोड़ा सा ऊपर, एक्सपेक्टेशन है कि 74,700 के आसपास हो सकता है कि हम लोग कहीं ओपन करें। यहाँ ओपन करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 74,550 का, एंड हम लोग अपसाइड के लिए जाते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कल आपको सेंसेक्स लेवल दिखा सकता है 74,800 तक के लेवल आपको कल सेंसेक्स टेस्ट करा सकता है। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।